नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीप्त चौधरी महाविद्यालय से एसवी सिंह आज आप लोगों को एमए पूर्वार्ध की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप लोगों को कबीरदास के साथी के अंतर्गत सुमिरण का अंग दोहों की व्याख्या के बारे में अवगत कराऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार कोविड-19 के तहत ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हैं, ठीक। इसलिए आप घर पर रहकर ऑनलाइन स्टडी का आनंद लीजिए, ठीक। चलिए हम व्याख्या करते हैं बच्चों। कबीरदास की साखी सुमिरण कौ अंग। सुमिरण का मतलब स्मरण कौ अंग। सुमिरण मतलब कबीरदास जी ने अपने परम ब्रह्म को अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, अपने अंतःकरण, अपने मन की अंतः शक्तियों द्वारा सुमिरण कौ अंग मतलब स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसी के संदर्भ में ये सारे दोहे हैं, ठीक है। तत तिलक तिहु लोक मैं राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार, ठीक। तत मतलब होता है तत्व, तिलक चंदन, तीन तिहु लोक संसार, राम नाम, राम रूपी नाम, नाम रूपी नाम, नाम निज सार, निज मतलब अपना सार, निज सार मतलब आत्मतत्व अर्थात ब्रह्म तत्व, आत्मतत्व। जन कबीर मस्तक दिया, जन कबीर मस्तक मतलब सिर, शोभा अधिक अपार, अपार मतलब होता है असीम, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। मैंने अभी आपको इस दोहे के शब्दों के अर्थ को बताया, ठीक। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। राम का नाम आत्मा का संसार, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम आत्मा का सार तत्व है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम आत्मा का सार तत्व है, यानी आत्म तत्व का सार तत्व है, ठीक। यह तीनों लोकों का मूर्धन्य तत्व रूप तिलक है। और भक्त कबीर दास जी ने तिलक से और भक्त कबीर दास जी ने इसी तिलक से अपने सिर या मस्तिष्क को अलंकृत किया है, जिससे यानी सुशोभित किया है, अपने सिर को सुशोभित किया है, अपने सिर पर धारण किया है, जिससे असीम छवि विराज रही है, ठीक। तिलक भक्त की पहचान होती है। कबीर छापा तिलक के विरुद्ध है। उनका विचार है कि भक्त को सही पहचान और शोभा वृद्धि राम नाम के तत्व रूपी तिलक को मस्तक यानी सिर में लगाने से होती है। यानी जो राम नाम रूपी तिलक को मस्तक में लगाने से ही उसकी शोभा बढ़ती है, उसका आत्मतत्व बढ़ता है, आत्मसार बढ़ता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरौ सार।
भगति, भक्ति करना, भजन करना, भक्त के द्वारा भजन करना, हर ईश्वर नाम नाम। दूजा एक ही, क्योंकि ईश्वर एक है। दुख का पार, दुख सांसारिक मोह माया। मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, करना मतलब कर्म से। कबीर, कबीर सुमिरण, सुमिरण स्मरण करना, ठीक, सुमिरण जैसे स्मरण करना, याद करना। और सार मंत्रा मूल तत्व, ठीक है, शब्दार्थ क्लियर हुआ बच्चों। आगे चलते हैं व्याख्या पे। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। भगवान का नाम स्मरण या याद करना ही वास्तव में भक्ति और भजन है। भजन के अलावा अन्य साधना असीमित दुख के कारण है। भजन के अलावा अन्य साधना असीमित दुख के कारण है, ठीक है। अब आगे देखते हैं किस प्रकार कारण है। मन से वाणी, मन से वाणी से और कर्म द्वारा स्मरण करना अन्य साधना यानी स्मरण करना चाहिए। मन से वाणी से और कर्म, इन तीनों के द्वारा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ठीक। कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरण, सुमिरण मतलब नाम स्मरण ही सभी धर्मों का सार तत्व है। क्या कहते हैं, राम नाम स्मरण ही सभी धर्मों का सार तत्व है। आगे चलते हैं, इसी साखी में राम नाम की महिमा का प्रतिपादन कबीरदास जी ने परम ब्रह्म के रूप में किया है। इस साधना में किसी भी आडंबर के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी आडंबर के लिए, किसी भी बाह्य आडंबर, ठीक, के लिए कोई स्थान नहीं दिया है, ठीक। अब आगे चलते हैं, पंच संग पीव पीव करे छटा जु सुमिरो मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन, ठीक। अब जो कबीरदास जी कह रहे हैं वही मीरा जी भी कही है। अब श्री कृष्ण के बाद क्या कह रहे हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा जी कहती है, ठीक, पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। और यही बात कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि पंच संग पीव पीव करे छटा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन धन, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा शब्दार्थ हम लोग जान लेते हैं इस दोहे का। पंच होते हैं पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच इंद्रिया। संग मतलब साथी, पीव पीव मतलब पिया, ठीक। छठा जु सुमिरो स्मरण करना, मन से याद करना, ठीक। आई सूती प्रसव किस्ती या स्मरण या याद करना, कबीर की पाया राम रतन, राम रूपी रत्न, राम रूपी खजाना, ठीक। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर ने अपने संपूर्ण चेतना को मत कर राम रूपी रत्न प्राप्त किया है। उनकी प्रसव की स्थिति आ गई है। प्रसव मतलब जब एक स्त्री को प्रसव की स्थिति आती है तो असहनीय दर्द होता है। उसी प्रकार कबीरदास जी को भी प्रसव की स्थिति आ गई है। क्या प्रसव की स्थिति आ गई है, असहनीय दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आत्मा को ही राम के रूप में या क्योंकि उन्होंने आत्मा के
आत्मा के रूप में ही राम के रूप में पा लिया है। अर्थात कबीर ने अपने को क्या माना है, प्रियतमा, और ईश्वर को प्रियतम मानकर साधना की है। अपने को पत्नी, ईश्वर को पति मानकर ज्ञानाश्रय काव्यधारा के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी ने साधना की है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। क्योंकि उन्होंने आत्मा को ही राम के रूप में पा लिया है, इसका उल्लास पांचों इंद्रियों में प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। जब राम रूपी धन पा लिए हैं तो राम रूपी धन पाने की वजह से उनकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वह प्रफुल्लित हो रही हैं, चमत्कृत हो रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। नाक, कान, आंख, मुंह और त्वचा सब जगह से पिया पिया का शब्द निकल रहा है। प्रीतम 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 का शब्द निकल रहा है। यानी पांचों ज्ञानेंद्रियों से, कौन कौन सी पांचों ज्ञानेंद्रियां, नाक, कान, आंख, मुंह और त्वचा, इन सब जगहों से प्रियतम प्रियतम शब्द, पिव पिव शब्द निकल रहा है। प्रियतम कौन है? ईश्वर, परम ब्रह्म ईश्वर। हमने बताया था बच्चों आपको कि इस कबीरदास जी ने अपने को प्रियतमा और ईश्वर को प्रियतम माना है, अपने को प्रेमिका और ईश्वर को प्रेमी मानकर साधना की है। ठीक, तो इसीलिए पिव पिव कह रहे हैं यहां पे। और छठी इंद्री मन भी उसी का सुमिरण कर रहा है। ठीक, यहां श्रुति शब्द विचारणी है। श्रुति का अर्थ है प्रसव की स्थिति। ठीक, जो इस साखी के पूर्व संदर्भ में नहीं दिया गया है। ठीक, इसलिए इसका अर्थ श्रुति या स्मरण भी दिया गया, क्योंकि यहां जो भाव है श्रुति यानी सुनकर या स्मरण करना लगाया है कबीरदास जी ने। ठीक, राम को प्राप्ति में, राम की प्राप्ति में जो पांच ज्ञानेंद्रियां पिव पिव की पुकार कर रही हैं, उसमें वात्सल्य भाव की व्यंजना अभिव्यक्त हो रही है। ठीक, प्रियतमा का ही दूसरा रूप पुत्र होता है, प्रियतमा का ही दूसरा रूप पुत्र होता है, और पुत्र के रूप में पति को पाना और पति के प्रति कृतज्ञता से भरकर पी की पुकार लगाना संभव है। ठीक, इसीलिए कबीरदास जी ने राम रूपी धन पाने की रट लगा दी है। क्या रट? पीव पीव। ठीक, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आई, ठीक है, आगे चले। मेरा मन सुमिरो राम को, मेरा मन राम ही आई, अब मन राम ही है रहया शीश नवावे का। मेरा मन सुमिरो स्मरण करना, मेरा मन राम ही, अब मन राम ही के रहया रहया शीश, मतलब होता है मस्तक। ठीक, नवावे का है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मेरा मन राम का स्मरण कर रहा है, मेरा मन राम नाम रूपी तत्व का स्मरण कर रहा है। ठीक, मेरा मन राम का ही है, मेरा मन जो है राम का ही है, अब मन राम ही हो गया है, सिर किसके आगे झुकाऊं, किसके आगे झुकाऊं, अब तो मेरा मन ही राम है, किसके आगे झुकाऊं। ठीक, इस साखी में साधना की तीन स्थितियों का चित्रण है। ठीक, कौन कौन सी स्थितियां? पहली स्थिति में जब जीव अपने को भगवान से अलग मानकर उनके नाम का स्मरण करता है। दूसरी स्थिति है जब जीवात्मा
परमात्मा का रूप प्रतीत होने लगती है, प्राप्त कर लेती है। और तीसरी स्थिति है जब आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, ठीक, जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो द्वैत पूर्णतया मतलब इस सांसारिक मोहमाया से, यानी सांसारिक मोहमाया के बंधनों से मुक्ति हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, अद्वैत की पूर्ण अनुभूत हो रही। अद्वैत क्या मतलब, ईश्वर की पूर्ण अनुभूत होने लगती है, ठीक। वैष्णव भक्ति और कबीर की भक्ति में यही मौलिक अंतर होता है, ठीक है ना। कबीर का भक्त मन राम का स्मरण करते ही, कबीर का भक्त मन राम का स्मरण करते ही राम ही हो जाता है, राममय हो जाता है। कबीर की आत्मा परमात्मा रूपी, कबीर की आत्मा रूपी प्रियतमा, परमात्मा रूपी प्रियतम का स्मरण करने से ही वह परमात्मा रूपी प्रियतम में विलीन हो जाती है और इस सांसारिक मोहमाया के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक। ये आपका जो हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। मैंने आपको आज कबीरदास के साखी के अंतर्गत सुमिरण पौ अंग दोहों की व्याख्या बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से व्याख्या समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।